हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम गुजरात की बहुत ही प्रसिद्ध मिठाई बनाने वाले हैं, बर्फ़ी बनाने वाले हैं, मोहन थाल। तो ये है हमारे पास 200 ग्राम बेसन है, 4 चम्मच हमारे पास जो दूध है नॉर्मल टेम्परेचर में, रूम टेम्परेचर में रखा हुआ। यहाँ पर हमारे पास है आधा कप घी है। तो सबसे पहले हम इसमें 3 चम्मच मिलाएंगे घी, और इसके बाद 3 चम्मच ही मिलाएंगे दूध। ये देखिए, इसके बाद जो बचा हुआ घी है उसको हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। इसको पहले चम्मच से अच्छे से मिला लेंगे। तो आप चाहें तो बड़े बर्तन में भी कर सकते हैं जिसमें कि फैले नहीं। तो इसको अच्छे से मिला लेंगे। मिलाने के बाद इसमें फिर दूध ऐड करेंगे। ये देखिए, तो यहाँ पर सिर्फ 3 चम्मच दूध का हम इस्तेमाल करेंगे, बाकी का बचा देंगे, क्योंकि हम अगर ज़्यादा डाल देंगे तो मुझे इसका जो पाउडर फॉर्म चाहिए वो नहीं होगा, एक डो वाले फॉर्म में आ जाएगा, बनने लगेगा, मुझे वो चीज़ नहीं चाहिए। इसमें एक हल्का सा मॉइस्चर आ जाए, बस वही उसी लेवल का मुझे चाहिए। तो यहाँ पर अच्छे से इसको मिला लेंगे। पहले चम्मच से मिलाएंगे, चम्मच से मिलाने के बाद फिर हाथों का इस्तेमाल करने वाले हम। ये देखिए, क्योंकि इसको बिना हाथ से मिलाए सही से मिल नहीं सकता है, क्योंकि मुझे इसमें दूध और घी और बेसन का एकदम से बराबर एकदम आपस में मिल जाना चाहिए। इस टाइप से मुझे जो पाउडर तैयार करना है बेसन का। तो ये देखिए, काफ़ी अच्छा हो गया है, बिल्कुल भुरभुरा सा हो गया है और इसमें दानेदार बन गया है। और फ्रेंड्स, इसमें जो जो बेसन होता है वो बहुत फूलता है। तो आप देखेंगे, अभी यहाँ पर हमने 200 ग्राम बेसन लिया हुआ है। जब इसको रखने के बाद, इसको 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रखेंगे, ये अच्छे से फूल जाएगा। तो इसको हम किसी प्लेट या छन्नी से ढक करके रख देंगे कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए। तब तक हमारा बेसन रेस्ट करता है, उस तब तक हम कर लेते हैं चाशनी बनाने की तैयारी। यहाँ पर हमने 200 ग्राम चीनी लिया हुआ है और 100 ग्राम पानी लिया हुआ है। जितनी आपके पास चीनी होगी उसका आधा पानी चाहिए। मेज़रमेंट का आप ज़रूर ख्याल रखें, बहुत पानी ना डाल दें जिसमें कि चाशनी हमारी बहुत पतली हो जाए। अगर ज़्यादा चाशनी पतली हो जाएगी तो हमारी जो मोहन थाल बर्फ़ी है वो सही से नहीं जमेगी, लंबा टाइम लेगी जमने के लिए। तो यहाँ पर जब तक जलाते रहेंगे, हमारी चाशनी अच्छे से बॉयल आने लगा है। चाशनी हमें तब तक पकाना है जब तक कि ये 2 से 3 तार ना बनने लगे, तब तक मुझे चाशनी को पकाना है। तो यहाँ पर अच्छे से बॉयल आ रहा है, एक थोड़ा सा गाढ़ापन आ गया है चाशनी में। अभी मुझे इसको और उबालते रहना, 6 से 7 मिनट लग जाते हैं फ्रेंड्स इसको बनाने में। ये मिठाई में थोड़ा सा टाइम लगता है आपको, आधा घंटा पूरी मिठाई बनाने में लग जाएगा। ये देखिए, तो यहाँ पर बहुत अच्छा सा झाग आ रहा है। ये देखिए, तार बंधने लगे हैं। इसको 1 मिनट 2 मिनट और उबलने देंगे अच्छे से, जिसमें कि इसके और थोड़ा सा मुझे गाढ़ापन चाहिए, जिसमें कि अच्छे से तार बनने लगे। ये देखिए, तो मुझे ऐसी ही चाहिए। अब ये आपको दिखाते हैं, अब इसमें तार बनने लगे। ये देखिए, ये देखिए, तार इसमें अच्छे से बनने लगे हैं। जब तक ये ठंडी होगी और थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी। तो यहाँ पर जब तक हमारी चाशनी हो गई है रेडी, अब यहाँ पर हमारा बेसन भी रेडी हो गया है। 20 मिनट हमको हो गए। तो बेसन आप किसी छन्नी से छान लीजिए, जिसमें कि इसमें जो दानेदार बड़े बड़े दाने निकलेंगे बेसन के, वो नहीं हमें चाहिए। सिर्फ हमें एकदम पाउडर फॉर्म में चाहिए। ये देखिए, इसमें जैसे बंद जाता है बेसन, मुझे वैसा नहीं चाहिए, उसको हटाना है। तो इसके इसीलिए हम इसको छानते हैं। आप किस थोड़ी सी से बड़ी छन्नी भी होगी वो भी चलेगी, आप इस टाइप से छान लीजिए, बहुत ज़्यादा बारीक छन्नी से ना छानें। ये देखिए, अगर इसे मोटी छन्नी होगी आप उससे भी छान सकते हैं, इजली छन जाएगा। तो यहाँ पर सारे बेसन को छान लेंगे। इसमें के अंदर जो बचा हुआ बंधा हुआ बेसन है, जिसमें मोटे मोटे से जो दाने हैं उनको भी तोड़ हाथों की सहायता से रगड़ देंगे तो निकल जाएगा। ये देखिए, आप ऐसे दोनों हाथ उंगलियों से प्रेस करेंगे, वैसे सारा का सारा बेसन आप आसानी से छान पाएंगे। इसी प्रकार से हम पूरे बेसन के छान को कर लेंगे तैयार। ये देखिए, तो अच्छे से छन गया है। अब इसको आप चाहें तो, जो बचा हुआ आप चाहें तो इसको, अगर आटा गूंथते हैं रोटी बनाए तो उसमें डाल सकते हैं, अगर आप नहीं चाहते हैं उसको हटा दीजिए, ना डालिए। तो चलिए, हमारा बेसन देखिए कितना अच्छा रेडी हो गया छनने के बाद, एकदम ये बारीक दानेदार हो गया है। तो चलिए, हम करते हैं इसको भुनने की तैयारी। तो यहाँ पर हमने
गैस पे कढ़ाई चढ़ा दिए। और आप एक चीज़ याद रखें कि आप जितनी मोटे तले की कढ़ाई लेते हैं तो उसमें वो चीज़ बहुत अच्छे से भुनती है। तो यहाँ पर हमने नॉन स्टिक कढ़ाई ली हुई है और इसको हमें भूनना है, वो भी लो फ्लेम पर। इसको कम से कम 10 से 12 मिनट लग जाएंगे लो फ्लेम पर भूनते हुए। तो यहाँ पर ये देखिए, इसको आप ऐसे ही भूनेंगे, आप आराम से हल्के हाथों से चलाते रहिए, फ्लेम को लो पर छोड़ दीजिए जिसमें कि ये जले नहीं और अच्छा सा इसमें कलर आ जाए। जितने आप लो फ्लेम पर भूनेंगे इसको, उतने अच्छे से इसका जो अरोमा निकल कर आएगा, जो खुशबू फैलती है, इस समय जब बेसन भूंज रहे थे बहुत अच्छी खुशबू फैली हुई थी। देखिए तो इसमें कलर भी अच्छा आ गया है। इसको मुझे अभी और भूनना है, थोड़ा सा मुझे और कलर चाहिए, मतलब थोड़ा सा और कलर इसमें आएगा। जितना अच्छा कलर आएगा उतनी अच्छी खुशबू और टेस्टी हमारी जो मोहन थाल बर्फ़ी बनने वाली है वो बनेगी। यहाँ पर ये देखिए, मैं कंटिन्यू इसको चलाती जा रही हूँ। ये देखिए, हमने गैस को लो रखा है, आप आपको बार बार बता दे रहे हैं दोस्त, गैस को आप लो ही रखें। अगर आप मीडियम या हाई कर देंगे तो बेसन बहुत जल्दी जलेगा। तो हमारा इसमें बेसन में अच्छा सा कलर आ गया। अब ऐड कर देंगे इसमें बचा हुआ जो घी बचा हुआ था, घी उसको ऐड कर देंगे। घी ऐड करने के बाद इसको अच्छे से चलाएंगे, चलाते रहेंगे, पहले घी अच्छे से पूरा मिल जाएगा आपस में, बेसन और घी एक अच्छा सा, आप देख रहे होंगे घी पड़ने के बाद इसमें जो कलर आया हुआ है और अच्छा सा कलर आ गया। फिर इसमें मिला देंगे, आधी कटोरी हमने मिला दिया है फ्रेश क्रीम मिलाई हुई है, मिल्क क्रीम मिलाई है। आप चाहें तो यहाँ पर और घी डाल सकते हैं। देखिए बहुत अच्छी इसमें टेस्ट आता है, क्रीमी टेस्ट आता है। तो यहाँ पर घी और मलाई को हमने मिला दिया हुआ है। आप मलाई जो डेली हमारे पास निकलती है दूध में से, आप फ्रेश क्रीम निकाल सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप मार्केट वाली भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप इसमें फ्रेश क्रीम डालेंगे अपनी घर की निकली हुई तो उसका और ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पर इसमें बहुत अच्छा कलर आ गया है घी और मलाई डालने के बाद। इसमें हम डालने वाले हैं मावा, मावा डालेंगे तो इसमें और भी अच्छा टेस्ट आने वाला है। आप चाहें तो मावा डालें या स्किप कर दीजिए। अगर आप मावा नहीं डालना चाहते तो यहाँ पर आप मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं। अगर उसको भी नहीं डालना है तो आप सिर्फ मलाई और घी ही रखिए, उसमें भी उतना ही टेस्ट आएगा। इसको अच्छे से भून लेंगे, भूनने के बाद इसमें डालेंगे हम मावा। मुझे अभी थोड़ा सा और इसको भूनना है, घी और मलाई पड़ने के बाद इसमें थोड़ा सा और अच्छा सा भूनेगा तो और अच्छा कलर आएगा और स्वाद भी और ज़्यादा चार गुना बढ़ जाएगा। ये देखिए, अब हमारे पास हमने ये मावा लिया हुआ है, आधा कप मावा है तो मावा इसी में डाल देंगे। इसके बाद इसको हल्के हाथों से मिला लेंगे, अच्छे से मिलाना पड़ेगा मावा को, बेसन और जो घी डाला हुआ है उसमें। देखिए तो आप इसको मिला लीजिए अच्छे से। तो फ्रेंड्स, ये जो बर्फ़ी है गुजरात की, बहुत ही बहुत फेमस बर्फी है, मिठाई है ये। देखिए तो आप इस टाइप से घर में बना सकते हैं और इसमें ज़्यादा तामझाम नहीं करना पड़ता है। गुजरात की प्रसिद्ध बर्फी है और बनती भी बहुत आसानी से है, ज़्यादा झंझट नहीं करना होता है। तो फ्रेंड्स, मेरे कहने पे एक बार इसको बनाइएगा ज़रूर, फिर बताइएगा कैसी बनी थी। और यहाँ पर जब मैं बेसन भून रही थी, पूरी किचन में खुशबू इसकी फैली हुई थी, बहुत अच्छी खुशबू फैली हुई थी। तो यहाँ पर चलिए देखिए, अच्छे से मिला लेते हैं चलाते हुए। अब यहाँ पर हमारा जो बेसन है तैयार हो गया, ऐड कर देंगे चाशनी। चाशनी को हमने फ्रेंड्स फिर से गर्म कर दिया था क्योंकि यहाँ पर रखने के बाद ठंडी हो गई थी। तो जितनी अच्छी आपकी चाशनी बनेगी उतनी अच्छी आपकी मिठाई बनने वाली है। अगर आपकी चाशनी पतली होगी तो फिर आपको उसको पकाना पड़ सकता है। अगर आप पहले से, आपको बता दूं कि अगर 2 से 3 तार वाली अगर आप चाशनी बनाते हैं, यहाँ पर मैंने फ्रेंड्स ज़रूरी बात बताना आपको चाहेंगे कि हमने गैस को बंद कर दिया था। यहाँ पर गैस मेरा ऑन नहीं है, गैस मेरा ऑफ़ है। इसके बाद
ये देखिए आप कंटिन्यू इसको चलाते जाइएगा, क्योंकि मेरी जो चाशनी थी 2 से 3 बार की थी, इसलिए देखिए हमें इसमें गैस जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी और सूखा करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जैसे जैसे ये हमारी जो बेसन और चाशनी ठंडी होगी, वैसे वैसे एक डो फॉर्म में देखिए आता जा रहा है हमारा जो बर्फ़ी का जो डो है। ये देखिए आपको दिखा दूँ कि देखिए अब ये गोल बनने लगा। ये देखिए इट मीन्स ये रेडी है और आप इसको जमा सकते हैं। ये देखिए तो आप एक प्लेट ले लीजिए, थाली ले लीजिए, ट्रे ले लीजिए, या आप कोई बेकिंग डिश भी ले सकते हैं। आप उसमें बटर पेपर लगाकर उसमें भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ली हुई एक थाली, उसमें हमने घी से ग्रीसिंग कर लिया है। ये देखिए तो आप इसी प्रकार से आप इसको पर दाब प्रेस कर दीजिए। आप कोई सा भी इसमें शेप दे सकते हैं। ये देखिए तो यहाँ पर जब तक इसको मैंने कर दिया है ठंडा होने के लिए रखा, यहाँ पर हमने कुछ नट्स डाले हुए हैं, यहाँ पर हमने काजू और अखरोट डाले हुए हैं, फिर डालेंगे थोड़ा सा पिस्ता। ये देखिए डालने के बाद इसको अच्छे से इसको प्रेस कर देंगे, दाब देंगे, जिसमें कि ये ठंडी होने के बाद जो नट्स हैं, जो ड्राई फ्रूट्स हैं, वो गिरे नहीं। ये देखिए तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने इलायची पाउडर भी डाला हुआ था, वो स्किप हो गया, तो आप इलायची पाउडर ज़रूर डाल लें। अच्छे से इसको हमने टैप कर दिया, ठंडी हो गई थी कम से कम ये बर्फ़ी मेरी 3 घंटे बाद ठंडी हो गई थी। हमने इसमें कट लगा दिए थे। अब आपको दिखाते हैं कि बर्फ़ी कितनी अच्छी हमारी मोहन थाल बनकर रेडी हुई थी। ये देखिए हमने निशान लगाने से फ्रेंड्स क्या होता है, आप जल्दी से उसको कट कर पाएंगे और टूटेगी नहीं कहीं से भी। जहाँ से आप कट लगाएंगे वहीं से जो बर्फ़ी के पीसेस होंगे कटेंगे। यहाँ देखिए तो यहाँ पर हमने पीसेस कट कर लिया है। आप चाहें तो बाद में भी कर सकते हैं, अगर पहले आप कट लगा देते हैं तो और आसानी होती पीसेस को निकालने में, तो हमने वही किया था। तो चलिए इसको कर लेते हैं प्लेटिंग। तो फ्रेंड्स आप मेरे कहने पे इसको ज़रूर बनाइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स आप हमारे सपोर्ट करिए कि आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ये देखिए तो मेरे कहने पे आप ज़रूर इसको मोहन थाल गुजराती प्रसिद्ध डिश है मोहन थाल बनाइएगा, हमें कमेंट करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और मेरे साथ मेरे चैनल पे बने रहिए रजनी वरुण ब्लॉग्स पे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।